ओके दोस्तों, मेरा नाम है विजय सिंह और मेरा ग्रीन कार्ड कुछ दिनों पहले अप्रूव हो गया। और इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि मेरे ग्रीन कार्ड का अप्रूवल का जो प्रोसेस है उसमें कितना टाइम लगा, मैंने कब अप्लाई किया, मुझे ग्रीन कार्ड कब मिला। टोटल प्रोसेस लगभग 9-10 महीने लगे मुझे। मैंने पिछले साल अक्टूबर में अप्लाई किया था और मुझे इस साल अगस्त के शुरुआत में मेरा ग्रीन कार्ड मुझे मिल गया। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। जनरली जैसे मेरे हमारे जैसे लोग जो H-1B वीज़ा में यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, तो H-1B वीज़ा एक टेम्पोररी वर्कर की वीज़ा होती है, जिसमें मैं यहाँ पर काम कर रहा था पिछले 4 साल से। मैं H-1B वीज़ा था, तो H-1B वीज़ा से ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट करने के लिए 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स होता है एक एप्लीकेशन जिसको कहते हैं I-140। ये एप्लीकेशन I-140 इमिग्रेंट पिटीशन फॉर एलियन वर्कर्स, ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन एसेंशियली आप USCIS, सो यूनाइटेड स्टेट सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस, इसमें आप एप्लीकेशन डालते हैं कि मैं जो हूँ, मैं एक टेम्पररी वर्कर हूँ और मुझे परमानेंट रेसिडेंसी चाहिए, क्या मैं परमानेंट रेसिडेंसी के लिए क्वालिफाई करता हूँ। सो आप सिर्फ यूनाइटेड स्टेट USCIS से सिर्फ आप इतना पूछ रहे हैं कि क्या मैं परमानेंट रेसिडेंसी के लिए क्वालिफाई करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। आप ये नहीं कह रहे हैं सरकार से कि आप मुझे परमानेंट रेसिडेंस में बदल दीजिए। आप सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि क्या मैं परमानेंट रेसिडेंस के लिए क्वालिफाई करता हूँ। क्योंकि आपने ये एप्लीकेशन डाली है, आप अपने क्राइटेरिया देंगे कि मैं मेरे एजुकेशन इतना है, मैंने इस टाइप का रिसर्च किया है, मैंने इस कंपनी के साथ इस दिन काम किया है, मेरा एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह। लेकिन I-140 में आप सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि क्या मैं क्वालिफाई करता हूं कि नहीं। एक बार जब I-140 अप्रूव हो जाता है तो आप ये दूसरा एप्लीकेशन डालते हैं। ये एप्लीकेशन है I-485, एप्लीकेशन टू रजिस्टर एज परमानेंट रेसिडेंस और एडजस्ट स्टेटस। सो इस एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि जब आपका I-140 अप्रूव हो गया तो आप सरकार से कहते हैं कि देखिए भाई, आपने आपने मुझे कह दिया है कि मैं क्वालिफाई करता हूं और ये है अप्रूवल कि मैं क्वालिफाई करता हूं परमानेंट रेसिडेंसी को के लिए। तो अब आप मेरा जो स्टेटस है, जो पहले मेरा स्टेटस था H-1B टेम्पररी वर्कर, उस स्टेटस को बदल के परमानेंट रेसिडेंट कर दीजिए। तो ये जो सेकेंड एप्लीकेशन, ये बस आपका स्टेटस चेंज करता है फ्रॉम टेम्पररी टू परमानेंट रेसिडेंट। बहुत लोग क्या है कि वो I-140 और I-485 दोनों एप्लीकेशन एक साथ डालते हैं, इसे कहते हैं कंकरेंट एप्लीकेशन। मैंने ये प्रोसेस नहीं किया, मैंने I-140 और I-485 दोनों को सेपरेट अप्लाई किया। और मैं उसका रीजन मेरे लिए बहुत सिंपल सा रीजन था। I-140 जैसे मैंने आपको समझाया, I-140 जो है, ये आप सिर्फ सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या मैं ग्रीन कार्ड के लिए या परमानेंट रेसिडेंसी के लिए क्वालिफाई करता हूं कि नहीं। आप ये नहीं कह रहे कि आप मुझे परमानेंट रेसिडेंस बना दीजिए, आप सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि क्या मैं क्वालिफाई करता हूं कि नहीं। तो मैं जो हूं यूएस में, ग्रीन कार्ड मिलने से पहले मैं H-1B वीजा में था। H-1B वीजा एक टेम्पररी वीजा है। तो जब मैंने यूएस एंटर किया तो मैंने सरकार से कहा कि देखिए, मैं यहाँ पर बस एक टेम्पररी वर्कर की तरह आया हूँ, मैं अपना काम करूंगा और वापस लौट जाऊंगा, मेरा यहाँ इमिग्रेट करने का, परमानेंटली इमिग्रेट करने का कोई इंटेंशन नहीं। ठीक है, जब आप H-1B वीजा में आते हैं तो आप ये डिक्लेयर करते हैं कि मैं यहाँ पर सिर्फ टेम्पररी काम करने के लिए आया हूँ। उसके बाद I-140 डालिए, 140 से आप क्वालिफाई हो जाइए। जब क्वालिफाई होने के बाद आप 485 डालिए, फिर आपका चेंज ऑफ स्टेटस हो जाए। पर मान लीजिए कि आपने दोनों एप्लीकेशन एक साथ डाले, I-140 और I-485, और खुदा ना खास्ता किसी भी कारण से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, ठीक है, फॉर सम रीजन आपका एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट हो गया, तो अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया और कुछ दिनों के बाद आपने दोबारा एप्लीकेशन डाला, ठीक है, तो आपने दोबारा एप्लीकेशन डाला तो सेकेंड टाइम USCIS आपका एप्लीकेशन सिर्फ इस बुनियाद पे रिजेक्ट कर सकती है कि आपने झूठ बोला। जब आप H-1B वीजा में आए थे
तो आपने झूठ बोला था क्योंकि आपने एक 485 एप्लीकेशन डाला है, और 485 का मतलब क्या होता है कि मेरा स्टेटस चेंज कर दो। इसलिए मैंने 485 और I-140 सेपरेटली डाला। पहले मेरा I-140 अप्रूव हो गया, जब अप्रूव होने के बाद मैंने 485 डाला। अगर मान लीजिए किसी रीजन से मेरा I-140 अप्रूव नहीं होता, तो मैंने कोई गलती नहीं की है। मैंने सिर्फ आपसे पूछा था कि क्या मैं क्वालिफाई करता हूँ कि नहीं, आपने कहा नहीं, तो मैं दोबारा वेट करूंगा, मैं अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाऊंगा, दोबारा अप्लाई करके दोबारा पूछूंगा कि क्या मैं क्वालिफाई करता हूँ कि नहीं। मैंने कभी भी आपसे अपना स्टेटस चेंज करने को नहीं कहा, क्योंकि मैंने कभी 485 एप्लीकेशन नहीं डाला। इसलिए मैं दोबारा जब एप्लीकेशन डालूंगा, इवन इफ माई फर्स्ट एप्लीकेशन वॉज रिजेक्टेड, इवन अगर मेरा I-140 एक बार रिजेक्ट हो चुका है, उसके बावजूद इस क्राइटेरिया पे कभी रिजेक्ट नहीं कर सकते कि मैंने झूठ बोला। ओके, इसीलिए मैंने अपना I-140 और I-485 सेपरेटली किया है। ठीक है, आपके लॉयर अगर कहते हैं कि दोनों एक साथ डालो तो आप यू कैन डिसाइड, बट मेरा ओपिनियन यही था कि मुझे सेपरेटली अप्लाई करना चाहिए। ओके, अब मैं आपको अपना टाइमलाइन दिखाता हूँ। तो ये है मेरा टाइमलाइन। तो मेरे ग्रीन कार्ड लगभग 9 महीने में मिल गए। ग्रीन कार्ड मिलने के पहले मैं H-1B वीजा में था। ग्रीन कार्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि दो एप्लीकेशन होते हैं, I-140 और I-485। सो I-140 जो एप्लीकेशन है मेरा, 13 अक्टूबर 2021 को मेरा एप्लीकेशन USCIS को मिल गया, और उन्होंने कंफर्म किया कि 13 अक्टूबर को आपका एप्लीकेशन मिल गया। ठीक है, तो लगभग 13 दिन लगे यहाँ पर। 13 दिन के बाद मेरा एप्लीकेशन जो है वो 26 अक्टूबर को मेरा एप्लीकेशन अप्रूव हो गया, और उन्होंने कहा कि आपका पिटीशन हैज बीन अप्रूव्ड, नाउ यू कैन अप्लाई फॉर चेंज ऑफ स्टेटस। और प्रायोरिटी डेट अगर आप जानना चाहते हो, तो अगर प्रायोरिटी डेट जो है वो 13 अक्टूबर की थी, जिस दिन मेरा एप्लीकेशन उन्हें मिला। ओके, सो दैट वाज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग I-140 अप्रूव। मैं आपको एक दूसरे वीडियो में समझाऊंगा कि मैंने कैसे अपना एप्लीकेशन बनाया और कैसे पैकेज को तैयार किया, कैसे भेजा, वो सब मैं एक दूसरे वीडियो में समझाऊंगा। इस वीडियो में बस मैं आपको टाइमलाइन दे रहा हूँ। ओके, इसके बाद जब मेरा 26 तारीख को मेरा I-140 अप्रूव हो गया और मुझे एक ईमेल आई कि आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो चुका है, उसके बाद मुझे लगभग 2 महीने लग गए अपना I-485 एप्लीकेशन बनाने। ठीक है, तो मैंने अपना एप्लीकेशन जनवरी 2022 की शुरुआत में USCIS को भेजा। लगभग 10 जनवरी को एप्लीकेशन उन्हें मिल गया था, और 10 जनवरी को एप्लीकेशन मिलने के बाद मुझे लगभग 6-7 महीने वेट करने पड़े। 21 जुलाई 2022 को मेरा केस अप्रूव हो गया, और 2 अगस्त 2022 को मेरा जो ग्रीन कार्ड है वो मेल के थ्रू, पोस्टल मेल के थ्रू मेरे पास आया। थोड़ा डिटेल ऑफ I-485 का यहाँ है। मैंने आपको बताया था कि 26 अक्टूबर को मेरा I-140 अप्रूव हो गया। एक्चुअली I-140 अप्रूव होने तक मुझे I-485 के डिटेल्स कुछ पता नहीं थे। जो मेन डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं थे वो था एक मेरा बर्थ सर्टिफिकेट। तो मुझे अपना बर्थ सर्टिफिकेट इंडिया से मंगवाना पड़ा, उसमें लगभग 1 महीने लगे। और दूसरी चीज होती है एक मेडिकल टेस्ट। तो एक मेडिकल टेस्ट करवाना होता है आपको एक USCIS अप्रूव डॉक्टर से, तो उस प्रोसेस में भी कुछ टाइम लग जाता है। लगभग आपको एक अपॉइंटमेंट ढूंढना होता है और प्रोसेस होती है, फिर आपको डॉक्टर वो कुछ इम्यूनाइजेशन वगैरह के लिए कहते हैं, तो उसमें लगभग 1 महीना टाइम लग जाता है। तो इसलिए मुझे लगभग 2 महीने का टाइम लगा I-140 अप्रूव होने में और I-485 अप्लाई करने में। इफ यू आर प्रिपेयर्ड, अगर आप पहले से आपको जानकारी है और आप पहले से अपना बर्थ सर्टिफिकेट सारे अगर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके रख चुके हैं और 485 एप्लीकेशन बना के रख चुके हैं अपने साथ, तो यू कैन सेव दिस टाइम ऑफ 2 मंथ्स, तो जो मैं नहीं कर पाया। ओके, बट एनीवे, सो मैंने ये दो महीने का जो टाइम लगा ये मेनली 485 एप्लीकेशन बनाने में लगा। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन भेजा, 10 तारीख को मेरा एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया।
एप्लीकेशन 485 मिलने के बाद जो पहली चीज होती है वो होती है एक बायोमेट्रिक्स. सो बायोमेट्रिक्स एसेंशियली आप एक जगह जाते हैं, वहाँ आपकी फिंगरप्रिंटिंग होती है, पिक्चर लेते हैं वगैरह. बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, लगभग 15 मिनट लगते हैं पूरे काम होने में. और मुझे ये बायोमेट्रिक्स जो है, ये बायोमेट्रिक्स का इंफॉर्मेशन मुझे मेल के थ्रू January 29 को मुझे एक मेल आई, जिसके थ्रू पोस्टल मेल, जिसके थ्रू मुझे मुझे बायोमेट्रिक्स के लिए अपॉइंटमेंट मिला. 24 फरवरी को मुझे बायोमेट्रिक्स के लिए जाना था. मैंने वहाँ 24 तारीख को मैं पहुंच गया सुबह सुबह, लगभग 15 मिनट में मेरा सारा काम हो गया. इट वॉज अ वेरी वेरी फास्ट प्रोसेस. और उसके बाद बायोमेट्रिक्स खत्म होने के बाद मैंने पूछा कि कितने दिन में मेरा ग्रीन कार्ड अप्रूव हो जाएगा. तो उन लोगों ने बताया कि वी डोंट नो द टाइम फॉर ग्रीन कार्ड अप्रूवल, पर कुछ दिनों के अंदर आपका जो बायोमेट्रिक्स है वो USCIS के वेबसाइट पे अपडेट हो जाएगा. उन्हें कहा कुछ 3-4 दिन लगेंगे. तो मैंने एक सप्ताह वेट किया. एक सप्ताह वेट करने के बाद मैंने चेक किया और कोई अपडेट नहीं. एक्चुअली महीने भर तक मैंने वेट किया, कोई अपडेट नहीं. तो महीने भर के बाद मैंने उन लोगों को फ़ोन किया USCIS में कि कैन यू गिव मी सम अपडेट, कि मेरा बायोमेट्रिक्स एक महीने पहले हो चुका था और मुझे पता भी नहीं है कि ये वो बायोमेट्रिक्स अप्रूव हुआ है कि नहीं. तो एक दो लोगों से बात करने के बाद USCIS थ्रू फोन, उनका जो कस्टमर सर्विस है, उसमें फ़ोन करने के बाद उन्होंने बताया कि आपका जो बायोमेट्रिक्स है वो अप्रूव हो चुका है और आपका जो एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुँच भी चुका है, पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ. तो आपको कुछ दिनों तक वेट करना पड़ेगा डिसीजन के लिए, आपका ग्रीन कार्ड अभी अप्रूव नहीं हुआ. तो मैंने थोड़ा तो रिलैक्स हुआ कि भैया कम से कम बायोमेट्रिक्स अप्रूव हो चुका है. 13 अप्रैल को मुझे एक 13 अप्रैल के आसपास मुझे एक RFE नोटिस मिली. ये RFE नोटिस जो है, ये RFE नोटिस है रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस. तो RFE का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस. तो USCIS ने मेरा एप्लीकेशन I-45 एप्लीकेशन को देखा और उन्होंने उसमें कुछ कमी मिली. और उस कमी एसेंशियली हुआ क्या था कि एक डॉक्यूमेंट जो है वो मिसिंग थी. और उन्होंने मुझे एक मेल भेजा कि आप भाई ये डॉक्यूमेंट हमें भेजिए. तो ये जो RFE है उसका डेडलाइन था 11 जुलाई, पर मैंने कुछ दिनों के अंदर अपना बिल्कुल विद इन अ फ्यू डेज मैंने अपना इसका रिप्लाई भेज दिया और 28 अप्रैल को जो मेरा रिप्लाई है वो वहां पर उनको मिल गया. ठीक है, पर ऑल्दो 28 अप्रैल को उनको मेरा डॉक्यूमेंट्स मिल गया, क्योंकि ये जो डेडलाइन था वो 11 जुलाई था, ये 2 महीने तक वो बस बैठे रहे. 2 महीने तक इन्होंने कोई डिसीजन नहीं दिया मेरे एप्लीकेशन पर. और इस दौरान कोई स्टेटस अपडेट भी नहीं थी. ये जो RFE रिसीव का जो अपडेट है, ये क्योंकि मैंने अपने मेल को ट्रैक किया था, तो थ्रू ट्रैकिंग मुझे इंफॉर्मेशन मिली कि मेरा RFE उनको मिल चुका है, पर उनके वेबसाइट पे अभी भी कोई अपडेट नहीं. तो मैं बस वेट करता रहा, क्योंकि मुझे तो समझ में आ गया था कि 11 जुलाई तक ये लोग कुछ नहीं करने वाले मेरे एप्लीकेशन पर. सो 11 जुलाई तक मैं बैठा रहा और उसके बाद 11 जुलाई के बाद मैंने वेबसाइट चेक करना फिर से शुरू किया. ओके, और मैंने जब वेबसाइट चेक करना शुरू किया तो 21 जुलाई को मुझे एक नया अपडेट मिला ऑन द वेबसाइट. 21 जुलाई को अपडेट मिला कि मेरा जो केस है वो अप्रूव्ड हो चुका है, मेरे कार्ड्स जो हैं वो भी ऑर्डर हो चुके हैं. और उसके बाद मैंने मैंने बस वेट करना शुरू किया. विद इन अ वीक एक अप्रूवल नोटिस आई पहले मेल में कि मेरा केस अप्रूव हो चुका है, और 2 अगस्त को मेरा ग्रीन कार्ड मुझे मेल के थ्रू मिल गया. सो द होल प्रोसेस, पूरा प्रोसेस जो है वो लगभग 8-9 महीने लगे. अक्टूबर 2021 में मैंने ये प्रोसेस शुरू की थी. विद इन 2 वीक्स मेरा 140 अप्रूव हो गया और I-145 अप्रूव होने में लगभग 7-8 महीने लगे. मेरे इस प्रोसेस को ये प्रोसेस कुछ और छोटा हो सकता था. जैसे मैंने आपको बताया कि I-140 और I-485 अप्रूवल के बीच लगभग 2 महीने मैंने अपना एप्लीकेशन बनाने में लगा. तो अगर आप पहले से जानकारी है आपके पास, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट आपने अपने पास रखा है, तो
So you could have saved those two months. आप आसानी से 2 महीने बचा सकते हैं. और दूसरी मेरा जो डॉक्यूमेंट मिसिंग था, सो ऑलमोस्ट अप्रैल से लेके जुलाई तक 2 महीने और 2 महीने से ज़्यादा जो है वो टाइम वो बच सकता था अगर मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ भेजे होते. यू नो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. सो अंत में मुझे मेरा ग्रीन कार्ड मिल गया तो मुझे बहुत खुशी है. और लोग यहाँ पे ग्रीन कार्ड के लिए 9-10 साल तक वेट करते हैं. मुझे तो 1 साल के अंदर मेरा ग्रीन कार्ड अप्रूव हो गया. और ये सारा प्रोसेस मैंने बाय द वे मैंने खुद से किया. मैंने कोई लॉयर हायर नहीं किया. मैंने ये सारा प्रोसेस खुद से किया. मैंने एप्लीकेशन खुद से बनाई और डॉक्यूमेंट्स वगैरह खुद से भेजे. तो मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि मैंने कैसे डॉक्यूमेंट्स बनाया और कैसे भेजा. अगर आपको किसी भी तरह की कोई सवाल हो इसके बारे में तो प्लीज़ लीव अ कमेंट. थैंक यू.